हेलो एंड वेलकम टू मोडेको आर्ट्स। आज हम मोडेको आर्ट में नेम प्लेट बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने केमिकल तैयार किया है और 12x6 इस नेम प्लेट का साइज़ है। हम इसमें दो तरह के पिगमेंट का यूज़ कर रहे हैं, एक जेट ब्लैक और एक गोल्डन, जो कि हम हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले जो हमारा ब्लैक केमिकल है उसको अच्छे से पूरे नेम प्लेट पर पोर कर देंगे। उसके बाद इसको सारी एजिस तक इवन तरीके से स्प्रेड करना है। एक बार हीट करेंगे ताकि एयर बबल रिमूव हो जाए और थोड़ी इसकी डेंसिटी नॉर्मल हो जाए, क्योंकि काफ़ी थिक डेंसिटी है इसकी। हीट करने के बाद अभी हम इसको अच्छे से हीट करेंगे और उसके बाद हम हल्के हाथों से इसको सारी एजिस तक कवर करेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से स्प्रेड करना है ताकि सारी एजिस भी कवर हो जाए। अभी भी हम इसमें थोड़े थोड़े एयर बबल्स देख रहे हैं, वो हम धीरे धीरे इसको रिमूव कर देंगे। सारे एजेस हमारे कवर हो चुके हैं। अब हम गोल्डन की जो हाइलाइटिंग है वो इसमें देंगे। लेयर बाय लेयर हमें गोल्डन इसमें डालना है। गोल्डन को इस तरह से हमने दे दिया और उसके बाद हमने हीट गन से जो एयर बबल्स थे वो रिमूव कर दिए। ब्लैक कलर गोल्डन के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है और बहुत ही अच्छा ग्लॉस बन के आता है। और ब्लैक एक वाइब्रेंट कलर है, गोल्डन से हाइलाइटिंग बहुत सुंदर लगती है। इसके एजेस को हम गोल्डन कलर के क्रिस्टल से हाइलाइटिंग दे रहे हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी मतलब आर्टिकल, कोई भी पैटर्न आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट इसमें यूज़ कर सकते हैं। वो आपके मतलब चॉइस और डिमांड के हिसाब से आप यूज़ कर लीजिएगा। मैं दोनों एजिस पे, अपोजिट एजिस पे ही क्रिस्टल का यूज़ करूँगी, क्योंकि साइज़ छोटा है तो इस वजह से 12x6 जैसा कि मैंने आपको बताया साइज़ है इसका। इस तरह से मैंने सारे क्रिस्टल भी गोल्डन कलर के केमिकल से हाईलाइट कर दिए, उनको कवर कर दिया ताकि ये अच्छे से इसमें सेट हो जाए। केमिकल हमारा हम डाल चुके हैं एजिस पे। अब हमें 3 घंटे का टाइम इसे देना था, जो हो चुका है। अब हम इसके ऊपर नेम पेस्टिंग का काम कर रहे हैं। नेम पेस्टिंग के लिए मैंने गोल्डन कलर के ही नेम का यूज़ किया है। शर्माज इसमें हम नेम लगा रहे हैं, नेम और हाउस नंबर। और ये देखिए गोल्डन एक्रेलिक जो है वो बहुत हाईलाइट देता है, इसको पूरा शाइन है इसमें। बट इसमें एक और टच हम देंगे, एक बार और केमिकल से सीलिंग करेंगे ताकि जो नेम है वो अच्छे से सील हो जाए और कोई तरह की एरर इसमें ना रहे, ग्लॉस बढ़ जाए और इसकी लाइफ भी एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि ग्लॉस और अच्छा आने वाला है इसके ऊपर। ऑलरेडी ये ग्लॉसी है बट एक और सीलिंग से क्या होता है कि ग्लॉस और एनहांस हो जाता है और हमारी जो नेम प्लेट है उसकी लाइफ भी एक्सटेंड हो जाती है। तो इसका जो केमिकल हमने बनाया वो ट्रांसपेरेंट बनाया। अब हीट गन से उसको ऐसे ही डेंसिटी इसकी नॉर्मल करने के बाद हम हल्के हाथ से इसको फैला देंगे। पूरा नेम और एजिस इसके कवर हो गए हैं। अब फिर से हमको इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ना है और हमारी नेम प्लेट पूरी तरह से वॉल पे पेस्ट होने के लिए तैयार है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा और ये कलर और ये टेक्सचर पसंद आया होगा, ये फॉन्ट पसंद आया, जो भी रिव्यू बताना। अब हमने लास्ट में एयर बबल इसको रिमूव कर दिए और अब हम इसको सूखने के लिए थोड़ा टाइम दे देते हैं। और ऑलमोस्ट मतलब हमारा काम सब हो चुका है। यह है हमारी नेम प्लेट का फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आया हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।